न्याय संहिता 2023 के एक काले कानून के विरोध में, जो ड्राइवरों का कहना है कि यह काला कानून है, इसको लेकर ट्रांसपोर्ट व्यापारियों की हड़ताल हो गई है, जिसके बाद में आज पेट्रोल पंप के बाहर जमकर भीड़ देखी गई। दरअसल इंदौर के लगभग सभी फ्यूल सेंटर पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि कमर्शियल वाहन चालकों के द्वारा की गई हड़ताल के बाद में 3 दिन तक यह पूरी हड़ताल चलेगी, जिससे पेट्रोल डीजल पंप संचालित करने वाले जो टैंकर है वह भी इसमें शामिल है, जिसके चलते ईंधन की कमी हो गई है और इसके चलते यहाँ पर पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी भीड़ नजर आ रही है। पेट्रोल पंप वालों की माने तो पेट्रोल डीजल खत्म होते ही यहाँ पर फ्यूल सेंटर भी बंद कर दिए जाएंगे। वहीं पर काले कानून के विरोध में लगातार यह 3 दिन तक हड़ताल जारी रहेगी, जिसको लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है और लोग काफी परेशान भी हो रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।